नमस्कार, मैं हूँ SkAnil और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं CIL एस्ट्रोलॉजी के रूल्स के बारे में, फंडामेंटल रूल्स जिससे हम फलादेश करते हैं। जहाँ रूल्स की बात करते हैं, रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं फलादेश करने के लिए, और रूल्स को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे ग्रुप में जहाँ पे तकरीबन 118 और 19 स्टूडेंट हैं, वहाँ पे अक्सर मैं देख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक वीडियो पोस्ट करूँगा आपको फंडामेंटल्स से रिलेटेड, ताकि आपको ये समझ में आए कि स्टार प्रपोजेज एंड सब डिस्पोजेज और रिलेवेंट कस्प जो है ये किस प्रकार से जज करना चाहिए। और यहीं पे ज़्यादातर कन्फ्यूजन की वजह से फलादेश के अंदर जो है ना वो विफलता आती है। तो आप फंडामेंटल चीज़ें जो है ना वो एक बार समझ लें तो आपको फलादेश करने में आसानी होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे DNA के बारे में, एक प्लैनेट कौन से हाउस का सबसब लॉर्ड है और दूसरे प्लैनेट का संबंध उस पर्टिकुलर सबसब लॉर्ड से किस प्रकार से होता है और किस प्रकार वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेते हैं पहले अध्याय में स्टार प्रपोजेज एंड सब डिस्पोजेज और इसके साथ में रिलेवेंट कस्प, ताकि आपको फलादेश करने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहला जो हमारा रूल है वो रूल ये है, ये प्लैनेट ये अपने पोजिशनल स्टेटस और अपने स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड के द्वारा जिन जिन भावों के अंदर गया हुआ होता है, उन्हीं भावों से संबंधित फल जो है वो अपनी दशाओं में वो प्रदान करता है। कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप एक टॉपिक लेते हैं यहाँ पे मैरिज, तो मैरिज के लिए जो प्राइमरी हाउस है वो है 7, सभी जानते हैं, और सपोर्टिव हाउस जो है वो है 5 और 11। 5 क्या है, लविंग केयर, 11 क्या, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। तो किस प्रकार से इसको देखें, मैरिज की प्रॉमिस और मैरिज का डिनायल। देखिए, अगर पहले घर का सबसब लॉर्ड और सातवें घर का सबसब लॉर्ड बेशक वो 7, 5, 11 में न गया हो, परंतु वो मैरिज को डिनाई ना करता हो, तब भी ये मानेंगे कि उस जातक की मैरिज जो है वो हो सकती है। ठीक है, अगर पहले और सातवें घर के सबसब लॉर्ड ने नहीं दी तो कोई दूसरा प्लैनेट देगा जो कि 7, 5, 11 के अंदर इन्वॉल्व और कमिट हुआ होगा, तो वो हम देखेंगे बाद में। अभी हम केवल देखते हैं कि प्रोमिसेस कैसे रीड करेंगे और उसका डिनायल कैसे होता है। डिनायल केवल दो प्रकार से होता है, वो अच्छी तरीके से आप अगर समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। आइए सबसे पहले हम चेक करते हैं स्टार लेवल पे 7 और सब लेवल के ऊपर 5 और 11, ये रिजल्ट जो है वो कह रहा है कि ये मैरिज हो सकती है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होता है, 5 और 11 स्टार लेवल पे आए और सब पे प्राइमरी हाउस चला जाए, ये भी एक तरीके का है, या 5 को इन्वॉल्व करके 7 या 11 को इन्वॉल्व करके 7, ये सभी के सभी वैवाहिक स्थितियों को दर्शाते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं भी आता है तब भी चलेगा, लेकिन डिनायल कैसे होगा वो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या डिनायल का नंबर आएगा स्टार लेवल पे, पहले घर का सब सब लॉर्ड या सातवें घर का 1st और 7, यही प्रोमिसेस करेंगे मैरिज लाइफ में होगी कि नहीं होगी। तो पहले घर का लॉर्ड या सातवें घर का लॉर्ड अपने पोजिशनल स्टेटस या अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू यदि 7 और 5 में चला जाए, 7, 5 और 11 में चला जाए, लेकिन सब लॉर्ड के अंदर 6 या 6, 4 या 6, 4 और 10 आ जाए और यहाँ पे 5 नहीं आए, 11 नहीं आए, 7 नहीं आए, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो मैरिज है 6 और 4 और 10, तो क्या हुआ, पहले और सातवें घर के लॉर्ड ने इन्वॉल्व तो किया, परंतु हुआ क्या, सब लॉर्ड में 7 को खा जाएगा 6, 7 और 5 को खा जाएगा 6 और 4, क्योंकि इनका 12वां है ये सब, और यहाँ पे 7, 5, 11 जो है ना वो कमिट नहीं हो रहा है, ये नंबर 1 एक प्रकार का जो है वो डिनायल है। एक दूसरा डिनायल होता है, दूसरा डिनायल किसको बोलते हैं, यदि किसी भाव का सब सब लॉर्ड अपने भाव से संबंधित किसी एक घटना के सर्वथा प्रतिकूल चला जाए और अपने भाव में न जाए तो डिनायल है।
कैसे होगा? मैरिज की बात कर रहे हैं अभी तक हम, हमने क्या बोला पहले और सातवें मैरिज की बात हो रही, तो यहाँ पे वो क्या हुआ, सात में नहीं गया, पांच में नहीं गया और ग्यारहवें भाव में नहीं गया। कहाँ चला गया? सर्वथा प्रतिकूल में। इनका छ चार और दस आया ही नहीं अपने प्राइमरी और सपोर्टिव में विवाह से संबंधित, और यहाँ पे सात नहीं आया, क्या हुआ, इसने डिनाई कर दिया कि यहाँ पे जो विवाह है वो होगी ही नहीं। यदि पहले और सातवें भाव का सब सब लॉर्ड के अलावा कोई दूसरा प्लैनेट वो अगर डिनाई करता है तो ऐसा नहीं है कि जातक का विवाह नहीं होगा, सिर्फ उस ग्रह की दशा में विवाह जो है वो नहीं हो पाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करें चाइल्ड की, तो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट सेम वैसे ही रहेगी लेकिन भाव बदल जाएंगे। यहाँ पे पाँच को इन्वॉल्व करेगा, दो और ग्यारह, दो क्या है एक्सपेंशन द फैमिली, ग्यारह क्या है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। यहाँ पे आएगा पाँच, या आएगा दो, या आएगा ग्यारह, ये प्रॉमिस हो गया। ऊपर में आ सकता है दो और ग्यारह, नीचे आ सकता है पाँच, या ऊपर आ जाएगा ग्यारह, नीचे पाँच, दो फिर पाँच, कुछ भी हो सकता है, ये प्रॉमिस में है। डिनाइल फिर दो तरीके से काउंट करेंगे, कैसा होगा, यहाँ पे पाँच आ जाए, या दो पाँच आ जाए, या दो पाँच और ग्यारह आ जाए, और यहाँ पे पाँच का चार, एक और चार, या एक चार और दस, और पाँच नहीं आए, दो नहीं आए और ग्यारह नहीं आए, क्या हुआ, ये डिनाइल हो गया। ठीक है जी, आगे आप देखिए यहाँ पे दूसरे कंडीशन के हिसाब से किस प्रकार से ये डिनाइल होगा। अब क्या होगा, दो पाँच ग्यारह में जाएगा ही नहीं अपने स्टार लॉर्ड के थ्रू, जाएगा चार में, या जाएगा एक और चार में, या जाएगा एक चार और दस में, और कहाँ नहीं जाएगा, पाँच में नहीं गया, दो में नहीं गया, ग्यारह में नहीं गया, और यहाँ पे भी पाँच नहीं आया, सब सब लॉर्ड में भी पाँच नहीं आया, तो क्या होगा, ये दूसरे प्रकार का डिनाइल है। अब कई लोग जो है ना वो बोलते हैं कि भाई एक चार दस आ गया तो ये डिनाइल ही है किसी भी प्लैनेट में, ऐसा नहीं है। देखिए क्या है, यहाँ पे साहब पाँच नंबर आ रहा है, दो नंबर आ रहा है, यहाँ पे आ गया चार और एक, है ना, लेकिन साथ में यहाँ पे आ रहा है पांच भी। अब पांच का चार तो बारहवां है, लेकिन जब पांच वापस यहाँ आ गया तो वो सस्टेन होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये डिले होगा और कुछ विसंगतियां देगा, है ना। यहाँ पे साथ में आठ और बारह आ जाए, और फीमेल नेटिव को चाइल्ड बर्थ की बात करें तो एबॉर्शन के नंबर आते हैं चार आठ बारह, तो वो डिले और ऑब्स्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ना कि डिनाइल में कन्वर्ट होंगे। सब सब लॉट में भी अगर वापस मान लीजिए यहाँ पे ये सारे नंबर आ रहे हैं और सब सब लॉट के अंदर चार आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिनाइल हो गया।